असलम किचन विद में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच और यह सैंडविच मैं बना रही हूँ चिकन कबाब सैंडविच बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा और ये कबाब जो है मैं पहले पराठे में भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ वही मिक्सचर लिया है उसी से मैंने ये कबाब बनाए हैं और इनको अब मैं सैंडविच में इस्तेमाल करूँगी इन कबाब्स को आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इनसे आप बर्गर सैंडविच या आप पराठे में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इन कबाब का आज मैं इसी कबाब से सैंडविच तैयार करूँगी और इसी कबाब से आप सैंडविचेस कई तरह के बना सकते हैं पिज़्ज़ा सैंडविच बना सकते हैं क्लब सैंडविच बना सकते हैं आइए इस सैंडविच को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं हंसबे ज़रूरत और ये मैंने लार्ज लिए हैं आप इसमें स्मॉल भी ले सकते हैं चीज़ स्लाइस मैंने बर्गर स्लाइसेस लिए हैं इसमें आप चैटेड चीज़ या मोजरेला चीज़ कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं थोड़े से मैंने कीड़े के की स्लाइसेस लिए हैं टमाटर के स्लाइसेस लिए हैं और थोड़ा सा मैंने प्याज़ कटा हुआ इस तरह से लिया हुआ है और ये मैंने एक सॉस तैयार की है वन फ़ोर कप मैंने म्योनीस ली है और वन फोर कप ही मैंने केचप ले लें या आप रेड चिली सॉस ले लें उसे आप म्योनीस में मिक्स कर दें सॉस तैयार हो जाएगी थोड़े से मैंने ये फ्रेश ग्रीन सैलड लिए हैं और मेयोनीज को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है कबाब हमारे ऑलरेडी रेडी हैं इन्हीं कबाब से मैं सैंडविच तैयार करूंगी और ये कबाब आप बहुत आसानी से बना सकते हैं बनाकर इसे फ्रीज़ करें और जब दिल चाहे से निकाल कर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ तैयार कर लें अब मैं ब्रेड के स्लाइस पे थोड़ी सी मेयोनीज लगा दूंगी इस तरह से क्वान्टिट्टी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी थोड़े से मैंने ये सैलेड लीव्स रख दिए और इसके ऊपर अब मैंने ये कबाब रख दिया है साथ ही चीज़ के स्लाइस स्लाइस आप अपनी मर्जी से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ मैंने खीरे के पीसेस टमाटर के पीसेस और प्याज रख दिया और ऊपर मैं इसके सॉस डाल दूँगी जो मैंने तैयार की थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है फिर से मैंने इसके ऊपर सैलेड लीव्स रखे हैं और इसके ऊपर अब मैं ब्रेड का स्लाइस रख दूँगी अब ये सैंडविच बिल्कुल तैयार है इसे मैं फ़्राई कर लूँगी इसके लिए मैंने ग्रिल पैन लिया है इसे मैं ऑयल से इस तरह से ब्रश कर लूँगी और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लूँगी इसके ऊपर अब मैं ये सैंडविचेज रख दूँगी इन्हें हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाए ऊपर ऑयल लगाकर इस सैंडविच को मैं पलट दूँगी और इस साइड को भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी बहुत ही मज़े का ये सैंडविच तैयार होगा इसका टेस्ट बहुत अलग होगा सैंडविच हमारा बिल्कुल तैयार है इसे अब मैं निकाल लूँगी और प्लेट में रख दूँगी अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी मज़ेदार कबाब सैंडविच हमारे बिल्कुल तैयार है। हैं बहुत ही झटपट ये सैंडविच बन गए हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसे आप इज़ीली कम वक्त में बना सकते हैं इन कबाब्स को आप बनाकर फ्रीज कर लें और जब दिल चाहे से आप सैंडविच तैयार कर सकते हैं चाहे आप पराठा बनाएं या आप इसे किसी भी किस्म का सैंडविच तैयार कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपको मैंने कबाब सैंडविच की बहुत ही इजी सी रेसिपी बताई है कबाब की रेसिपी आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगी आप वहां से भी ले सकते हैं इस सैंडविच को आप ज़रूर घर पर ट्राई करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल बेलाइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले